दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज माय लाइफ माय योगा का दूसरा पार्ट है, दूसरा सीरीज है, और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे योग मेरे जीवन में आया और योग ने मेरे जीवन में क्या परिवर्तन लाया। वैसे तो मेरी योगा लाइफ की शुरुआत आज से 17 साल पहले होती है, 2003 में, परंतु उससे 2 साल पहले मेरे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है, वो भी वाकया दिलचस्प है। दोस्तों 2001 से पहले मेरी ज़िंदगी मैं कभी याद नहीं करना चाहूँगा। मैं जानता हूँ कि मेरा जन्म 2001 में हुआ, उसके पहले की ज़िंदगी मेरी नारकीय ज़िंदगी थी, उसे मैं कभी सोचता भी हूँ एक सेकंड के लिए तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्या वैसे भी ज़िंदगी है? और आज मैं देखता हूँ लोगों को वैसी ही ज़िंदगी जीते हुए, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। और लोगों को थोड़ी भी भावना भी नहीं है, लोग मौज कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं कि बड़ी अच्छी ज़िंदगी है। क्या हुआ आखिर मेरे जीवन में कि मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ? दोस्तों मैं बहुत परेशान था, बहुत दुखी था, और मेरे दुख का कारण था बाहर जो भी घटनाएँ मैं देखता था, लोगों को आपस में लड़ते हुए झगड़ते हुए, भाई भाई को आपस में लड़ते हुए झगड़ते हुए, थोड़ी थोड़ी ज़मीन के लिए, थोड़े थोड़े पैसे के लिए स्वार्थ की प्रवृत्ति इतनी प्रबल थी, और दिखावा ज़्यादा था। लोग शो करते थे कि मुझसे ज़्यादा रहनुमा तुम्हारा कोई है नहीं, इतना प्रेम दिखाते थे, और अंदर इतनी घृणा की भावना और वासना की प्रवृत्ति बहुत प्रबल थी लोगों के अंदर। मैं जिस समाज या परिवार में पैदा हुआ वहाँ लोगों के अंदर क्रोध बहुत ज़्यादा था, वासना बहुत ज़्यादा था, लालच की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा थी, अहंकार बहुत ज़्यादा था कि मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं इतना बड़ा, मेरे पास इतना संपत्ति, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता था कि क्या है, और इसके बावजूद भी लोग दुखी क्यों हैं? लोग हाय हाय कर रहे हैं कि मेरे पास ए नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं तो इतना बीमार रहता हूँ, मैं तो इतना दुखी रहता हूँ, आखिर क्यों? इसी में मैं विचार करता था, मैं बुद्ध की कहानियाँ भी पढ़ता था, बुद्ध महावीर की, लगभग 15-16 साल की उम्र में, और उस दौरान मैं सत्संग में भी बहुत जाता था। तो उसी दौरान मैंने 2001 में एक सत्संग में गया अपने गांव के बगल में ही, तो वहाँ पर महाराज जी ने कहा था कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार यही दुख के कारण है, ये नरक के द्वार हैं, तीन, काम, क्रोध, लोभ, जैसा कि कृष्ण ने भगवत गीता में भी कहा है। तो ये बात मेरी समझ में आ गई, मुझे जंच गई कि दुख का कारण तो ये है। बुद्ध ने भी यही कहा, महावीर ने भी यही कहा, ऋषि महर्षियों ने भी यही कहा। तो फिर मैंने संकल्प ले लिया कि मैं विजेता बनूंगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पर विजय प्राप्त करूंगा। रास्ते भर चलते हुए 1.5 किलोमीटर के दायरे में मैंने संकल्प किया कि मैं चारों दिशाओं को साक्षी मान करके, प्रकृति को साक्षी मान करके, पेड़ पौधों को साक्षी मान करके संकल्प लेता हूँ कि मैं ब्रह्मचर्य का जीवन जीऊँगा, क्रोध से मुक्त होऊँगा, लालच से मुक्त होऊंगा, अहंकार से मुक्त होऊंगा, इतना तगड़ा संकल्प। तो उसी दौरान एक शादी में मैं गया, तिलक होता है ना, आपके गांव में भी तिलक होता है, लड़के के तिलक में, तो वहाँ पर ये जिक्र मैंने किया कि मेरा ये लक्ष्य है, तो मुझे घूर घूर कर देखने लगा, इतना छोटा लड़का है, ये कह रहा है कि मैं विजेता बनूंगा, अरे क्या बात कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या, विजेता कोई बन पाया है? बहुत गिने चुने लोग ही विजेता बन पाते हैं, बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, राम, कृष्ण, तुम वैसी बातें कर रहे हो। और फिर अंत में कहा कि जब तुम विजेता बनोगे तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि वासना पर विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, कोई 7 पहाड़ों को पार कर सकता है, कोई पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है, अंतरिक्ष का चक्कर लगा सकता है, लेकिन वासना पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, उसने मुझे बताया। तब मेरा संकल्प और गहरा हो गया कि मुझे ये करना ही है, मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं। आज मेरा लोग मजाक उड़ाते हैं, उस समय मजाक उड़ाते थे कि तुम ये नहीं कर, देखो तो मैं अधिकारी बन गया, मैं देखो तो मैं टीचर बन गया, देखो तो मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, देखो तो मेरा इज्जत, नाम, सम्मान इतना है। तो मेरे जीवन का निर्धारण उसी समय हो गया कि कोई मुझे तीनों लोगों का स्वामी बना दे, मुझे डॉक्टर बना दे, इंजीनियर बना दे, मुझे देश का प्रधानमंत्री बना दे, तीनों लोगों का स्वामी बना दे, अंतरिक्ष लोग, धरती लोग, आकाश लोग, उसे मैं स्वीकार नहीं करूँगा अगर मेरा ब्रह्मचर्य जीवन डिस्टर्ब होता है। इतना तगड़ा संकल्प था दोस्तों, और वो तगड़ा संकल्प मैंने टाइम टू टाइम हमेशा लेते रहा, मेरा संकल्प और गहरा होता गया।
तो होगा कैसे? कलयुग केवल नाम अघारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो भक्ति के मार्ग पर चल निकला। मीराबाई से मैं बहुत प्रभावित था, राम 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 करता था, मेरे डायरी भरे रहते थे राम राम राम, कीर्तन सुमिरन नाम संकीर्तन, ये मेरे डेली का एक्टिविटी था। ऐसे करते करते 2-3 साल बीत गए, मेरा जीवन भी अच्छे से चल रहा था, मेरे मन पूरी तरह से पवित्र हो गया था। लेकिन 3 साल बाद फिर वासना ने जोर पकड़ा और मेरे मन में वो सारी बातें आने लगी जो कि 2001 से पहले मैंने वो एक्टिविटीज हुई थी या वो सोच रही थी मेरे दिमाग में, क्योंकि 2001 से पहले मैंने कोई पिक्चर ऐसा ना हो जो मैंने देखा नहीं हो, कोई ऐसा बॉलीवुड का गाना हो जो मैंने सुना ना हो, ऐसा कोई पत्रिका ना हो जो मैंने पढ़ा ना हो। सरस सलील तो कभी मैं छोड़ता ही नहीं था, मैं कहानियाँ भी लिखता था रोमांटिक, तो मेरा दिमाग इस तरह का था। और एक क्षण में सारा चीज़ बदल जाना तो इतना आसान होता नहीं, और चेतन मन को बदलना होता है। तो सारी चीज़ें बार बार आने लगी, मैं बहुत परेशान रहने लगा, अब क्या करूँ। तो कोई भी कार्यक्रम कहीं भी होता था तो मैं लोगों से पूछता था कि मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, कैन यू हेल्प मी। कहता था ये क्या बात कर रहा है। कोई भी धार्मिक आयोजन होते थे, कार्यक्रम होते थे, मैं वहाँ जरूर चला जाता था। उसी प्रकार एक कार्यक्रम हो रहा था बिहार के औरंगाबाद में आनंद मार्ग का, उस समय मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था इग्नू से, तो वहीं पर उसने बताया कि हाँ यह संभव है, आपको योग के मार्ग पर चलना होगा। मैंने योग के बारे में सुना भी था, मैंने महाभारत पूरा पढ़ डाला था, महाभारत का वैराग्य प्रकरण, तो उसमें योग की चर्चा है। मैंने सोचा हाँ ये बात तो ठीक है, भक्ति के साथ योग भी चलता रहेगा, क्या दिक्कत है। और वहीं पे गुप्तेश्वर दादा हैं, उन्होंने मुझे योग सिखाया। और शुरुआत में 5 आसन लगभग मैंने सीखे थे और एक प्राणायाम सीखा था। 5 आसन कौन कौन थे मैं आपको बता दे रहा हूँ। सर्वंगासन मैं करता था, मत्स्यासन, आपका हलासन, और आपका वज्रासन, और आपका मयूरासन, शीर्षासन और धनुरासन। और इसके साथ मैंने एक प्राणायाम भी सीखा था अनुलोम विलोम, लेकिन मैं कुंभक और रेचक के साथ करता था। अगर सांस लिया 10 सेकंड सांस लिया तो अंदर 40 सेकंड सांस रोका, फिर सांस छोड़ा तो 20 सेकंड सांस छोड़ने में लगाया, और सांस फिर रेचक लिया बाहर सांस को रोके रखा 20 सेकंड, फिर सांस लिया 10 सेकंड। तो ये मैं रेगुलर करने लगा, ये मेरा दिनचर्या था योग और प्राणायाम। और इसके साथ मैं 2006 में दिल्ली गया तो रेलवे स्टेशन पर मुझे एक विवेकानंद की एक किताब मिली। किताब में लिखा था कि अगर तुम योग के मार्ग पर चलना चाहते हो या वासना से मुक्त होना चाहते हो या ईश्वर को पाना चाहते हो तो ये जो सांस आ रहा है इस सांस के प्रति सजग हो जाओ। इस संसार में कोई भी सांस के प्रति सजग नहीं है, तो तुम्हारा इतना बड़ा लक्ष्य है तो संसार से थोड़ा अलग हट के काम करना होगा। तो ये बात मेरी समझ में आ गई और उसके बाद मैं सांस के प्रति सजग रहने लगा। और सांस में मैं क्या करता था कि लॉन्ग ब्रीदिंग लेता था, फिर सांस छोड़ता, लेने में 1 मिनट, सांस छोड़ने में 1 मिनट। जब भी मैं यात्रा करता था, और अमूमन मैं पैदल ही यात्रा करता था, 10-10 किलोमीटर तक पैदल मैं चलता था, इसीलिए चलता था कि सांस के प्रति सजग रहूं। और अगर 4 किलोमीटर चलना है तो सांस लिया सांस छोड़ा 1, सांस लिया सांस छोड़ा 2, ऐसे मैं 51 बार करता था, फिर 51 बार ऐसे करता था। और रात में सोते समय मैं क्या करता था कि सांस लिया 1, सांस लिया छोड़ा 2, ऐसे मैं 50 बार करता था, कभी कभी भूल जाता था, फिर से शुरू करता था। तो सोते समय मैं जागरूक रहना सीख गया, ये मेरे जीवन में महान परिवर्तन आया। क्योंकि अधिकतर जो वासना के विचार जो आते हैं वो सोते समय ही आते हैं, और सोते समय जो भी आदमी के दिमाग में थॉट्स आते हैं उसका अगला दिन वैसा ही बनता है। तो मैंने रात को बदला, मैंने पहला काम किया। तभी इतना आसान नहीं होता है वासना पर विजय प्राप्त करना हो और कोई आपको मदद करने वाला ना हो, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, आपका मजाक उड़ा रही हो, आपको गालियाँ बका जा रहा हो, आपको बदनाम किया जा रहा हो, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो इस प्रकार मेरी यात्रा चलती रही और इसके बाद ईश्वर पर मेरा भरोसा उतना न रह गया, क्योंकि बचपन से मैंने देख रहा था लोगों को पूजा करते हुए, ईश्वर की उपासना करते हुए, कोई भी समाज में मुझे ऐसा नज़र नहीं आया कि जो ईश्वर को नहीं मानता हो, हे भगवान सब ईश्वर की कृपा से हो रही है। लेकिन एक भी व्यक्ति मुझे नज़र ऐसा नहीं आया जो वासना से मुक्त हो, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता था।
कि समाज में ईश्वर को मानने वाले इतना, ईश्वर के भक्त इतना, और कोई वासना से मुक्त नहीं है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था। ईश्वर के प्रति मेरा भरोसा थोड़ा कम हो गया, लेकिन मैं माँ के प्रति भक्ति थी तो मैं माँ की प्रार्थना करता था। और दूसरा कारण इसलिए था, मैं माँ में इसलिए विश्वास करता था कि मुझे स्त्री को माँ के रूप में देखना था, क्योंकि अगर ब्रह्मचर्य जीवन जीना है तो जो हर जगह है, स्त्री हर जगह है, लड़की हर जगह है, तो आप उसको से डिनाई कैसे कर सकते हैं? या तो आप जंगल चले जाइए, पहाड़ चले जाइए, तो आप बचे रह सकते हैं। तो आप डिनाई करेंगे तो भी बच नहीं सकते कि माया बड़ा दुष्कर है, इतना आसान नहीं है माया पर विजय प्राप्त करना, तो उसको स्वीकार करना पड़ता। तो मैंने माँ के रूप में स्वीकार कर लिया कि माँ भगवती है, शरीर तो नश्वर है, देखो तो शमशान घाट में जल रहा है, लेकिन माँ हमेशा एग्जिस्ट करती है। तो इस प्रकार माँ के प्रति मेरी श्रद्धा थी और इस तरह मेरी साधना चलती रही। उसके बाद 2014 में बुद्ध के मार्ग पर मैंने चलना शुरू किया, विपश्यना के मार्ग पर मैंने चलना शुरू किया। तो भी सांस की साधना थी, इसलिए वो साधना मुझे अच्छी लगी, पर वहाँ पर सहज स्वाभाविक सांस पर ध्यान एकाग्र करना था, नॉर्मल ब्रीदिंग लेना है, छोड़ना है, और इसी पर मन को एकाग्र करना है। तो बड़ा तगड़ा होता है साधना है विपश्यना। जब मैं विपश्यना करने लगा तब मेरे विकार पूरी तरह से बाहर आने लगे। जो मेरा लक्ष्य निर्धारित था 2001 में, वो लक्ष्य बिल्कुल नज़दीक मेरे पास आने लगा। और बिल्कुल एक बच्चा का जीवन होता है ना, आगे आने वाले दिनों में 2-3 सालों में ऐसा हो गया कि मेरा जीवन बिल्कुल बच्चे की तरह हो गया। कोई कामना ही नहीं मन में, कोई वासना के विचार ही नहीं, कोई ऐसा भाव ही नहीं, कोई थॉट्स ही नहीं। तो लोग फप्तिया कसते थे, ऐसे कैसे हो सकता, आज भी लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति संसार में वासना के विचार ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है, या वो जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं हमारे बॉडी में उसे कैसे कोई मुक्त हो सकता है। लोगों को आज भी विश्वास नहीं है, इसी कारण लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, उनका भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि वैसे ज़िंदगी जी रहे हैं वासना में ही, सारी दुनिया ऐसी ही ज़िंदगी जी रही है। तो जब तक व्यक्ति उसे पार नहीं होता, उसे मुक्त नहीं होता, तो कैसे किसी पर भरोसा करेगा। तो किसी के प्रति मेरा द्वेष नहीं है, जो मेरा लक्ष्य था उसके प्रति मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आज इस संसार में मेरा कोई दुश्मन नहीं है, सबके प्रति मेरी प्रेम की भावना है, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से घृणा नहीं, सबके प्रति प्रेम का भाव है, और वासना के विचार बिल्कुल नहीं है मेरे मन में, कभी नहीं आते, सोते जागते खाते पीते कभी नहीं आते। तो ये मेरा जीवन है, आज भी मैं योग के मार्ग पर चल रहा हूँ। तो आपको बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि ऐसा तो कोई लक्ष्य रखता नहीं, योग लोग करते हैं तो स्वास्थ्य के लिए रखते हैं या मेंटल पीस के लिए रखते हैं, पर मेरा ऐसा मानना नहीं है। योग तो महाविज्ञान है, योग से आप वासना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, योग से आप मन को बैलेंस कर सकते हैं, मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, योग के जरिए आप जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। और मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है, मानव इसीलिए धरती पर आया है। यही मुझे आपसे बात करनी थी दूसरे सीरीज में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सबका मंगल हो।